हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां पर चाइना ने खुद माना है कि भारत के सामने नहीं टिक सकता है वो। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे पूरी बात क्या है। दोस्तों, भारतीय प्रभुत्व को चाइना के द्वारा स्वीकारा गया है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे। जहां पर चाइना उत्तर कोरिया की सेना से खतरे को लेकर जापान रक्षा बजट में करने जा रहा है इस रिकॉर्ड की बड़ी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे। जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती पर कड़ी नजर, वियतनाम के रास्ते ड्रैगन पर नकेल किस तरह कसेगा भारत, ये भी बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे, जहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लग गया है। दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर रशिया ने क्वेड को गैर समावेशी और चाइना विरोधी बता दिया है। दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ अब विपक्ष एकजुट हो गया है। दोस्तों, और तख्ता पलट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पाकिस्तान के साथ संबंधों पर रूस ने भारत को बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, वो क्या बात है, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे अंत में, जहां पर इस हफ्ते लगातार 3 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। दोस्तों, इसीलिए अपना काम बैंक से जुड़ा निपटा ले, आपको बताएंगे वो कौन कौन से दिन है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो पूरा भारत सुरक्षित है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तब चलते पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां चाइना ने खुद माना हिंद महासागर में इंडिया के सामने नहीं टिक सकता, भारतीय प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया गया है चाइना के द्वारा। बता दे दोस्तों, भारत से बेवजह विवाद मोल लेकर अलग थलग पड़ गया चाइना। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने उससे दूरी बना ली है। चाइना की कम्युनिस्ट सरकार को भी अब एहसास हो गया है कि भारत के सामने टिकना उसके लिए मुश्किल है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के माध्यम से एक तरह से चाइना ने अपनी हार मानते हुए हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया है। लेख में कहा गया है कि हिंद महासागर में भारत को अद्वितीय और द्वितीय भौगोलिक लाभ प्राप्त है। सीमा विवाद के बीच चाइना का भारतीय प्रभुत्व को स्वीकार करना दर्शाता है कि बीजिंग के खिलाफ मोदी सरकार की रणनीति कारगर साबित हुई है। भारत ने उठाया है बीड़ा, चाइना की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में 17 दिसंबर को वैश्विक महत्वाकांक्षा के लिए बहुपक्षीय तंत्र के प्रति भारत का बदलता रवैया शीर्षक के साथ एक लेख छपा है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक हु शिशेंग द्वारा लिखे इस लेख में कहा गया है कि भारत ने हिंद महासागर में बहुपक्षीय सहयोग तंत्र की योजना बनाने का बीड़ा उठाया है। इस क्षेत्र में भारत को अद्वितीय भौगोलिक लाभ प्राप्त है। आपको बता दे दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी, ऐसे में आपकी क्या राय है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि चाइना को ये बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी कि भारत के सामने वो कुछ नहीं है। आप लोग का क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो चाइना उत्तर कोरिया की सेना से है खतरा, जापान रक्षा बजट में करेगा रिकॉर्ड की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, जापान के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जापान सरकार चाइना और उत्तर कोरिया से संभावित खतरे से निपटने के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और रेडार से बच निकलने में सक्षम लड़ाकू विमान की विकसित करने के लिए रक्षा बजट बढ़ाना चाहती है। वित्त वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 5.34 ट्रिलियन येन यानी करीब करीब 51.7 अरब अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट पेश करने की योजना है। प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा के कार्यकाल का ये पहला बजट होने वाला है। ये बजट मौजूदा वित्त वर्ष के रक्षा बजट से 1.1% अधिक होने वाला है। दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो चाइना पाकिस्तान की दोस्ती पर नजर, वियतनाम के रास्ते ड्रैगन पर नकेल कसेगा अब अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर। लद्दाख और दक्षिण चीन सागर में चाइना के आक्रामक व्यवहार का जोरदार तरीके से सामना कर रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और वियतनाम के प्रधानमंत्री नगुएन शुआन फुक सोमवार को वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में दोनों देशों के बीच भारत में बने 10 करोड़ डॉलर के गश्ती पोतों पर समझौता हो सकता है। साथ ही चाइना ड्रैगन के साथ निपटने की रणनीति भी बन सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे ड्रैगन पर काबू पाने में वियतनाम भारत के लिए मददगार साबित होने वाला है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि चाइना लगातार साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करके भले ही अमेरिका को संदेश दे रहा है, लेकिन इसका असर अब उसके पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से अब चाइना की आक्रामकता का सामना कर रहा वियतनाम और भारत साथ आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि ये दोनों ही देश मिलकर चाइना और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती को करारा जवाब दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और मोदी सरकार के इस बड़े कदम का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना उन पर अपने घर के नक्शे में गड़बड़ियों को लेकर लगाया गया है। इसके बाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA ने इमरान खान के बनी गाला रेजिडेंस के मास्टर प्लान की समीक्षा किए बिना ही नक्शा पास कर दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी PTI के प्रमुख इमरान खान को इसके लिए 12.06 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के द न्यूज के अनुसार इस नक्शे को संशोधित बिल्डिंग रेगुलेशन 2020 के तहत मंजूरी दे दी गई थी। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी खबर मानी जा रही है। और जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे इस इमरान खान भी गलती कर सकते हैं दोस्तों, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री में भी कितना नॉलेज और कितना ज्ञान हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, इमरान खान के बारे में आप लोगों की क्या सोच है और क्या मानते हैं आप लोग इमरान खान को दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो रशिया ने क्वाड को गैर समावेशी और चाइना विरोधी बताया है और कहा है कि सजग रहे भारत। जी हां दोस्तों, रूस ने के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बाद अब उसके राजनयिकों ने क्वाड की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के रूसी दूतावास में तैनात रूस के राजनयिकों ने कहा है कि वे इंडो पैसिफिक पर भारत की राष्ट्रीय अवधारणा को समझते हैं, लेकिन समावेश की कमी के कारण क्वाड को वो हानिकारक के रूप में देखता है। रूस ने यूरेशियन साझेदारी की अवधारणा पेश की है। रूस के राजदूत निकोले आर कुडाशेव ने कह दिया है कि जहां तक हिंद महासागर के बारे में भारतीय अवधारणा की बात है, रूस प्रधानमंत्री मोदी के विजन को समझता है। राजदूत ने कह दिया है कि हम इससे भी बड़ी एक यूरेशियन साझेदारी की अवधारणा की पेशकश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो नेपाल से खबर आ रही है, जहां पर नेपाल को अनिश्चय और अस्थिरता के दौर में धकेल दिया ओली ने। संवैधानिक तख्ता पलट वाला कदम बताया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर अब इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने उन ताकतों के लिए जमीन तैयार की है जो देश के गणतांत्रिक, संघीय और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को चुनौती दे रही है। ओली ने रविवार को अचानक देश की संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी है, जिसे तुरंत राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने स्वीकार कर लिया। इससे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ओली के प्रति द्वंद्वी और राजनीतिक पर्यवेक्षक सब भौचक्के रह गए। राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वागले ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह घटनाएं घटी हैं, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री ओली और राष्ट्रपति भंडारी ने देश पर तानाशाही ढंग से शासन करने की सोची समझी चाल चली है। दोस्तों, सोमवार सुबह छपी एक टिप्पणी में वागले ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओली ने देश को भ्रम में और अफरा तफरी की तरफ धकेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा और अपनी बात जरूर रखिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान के संबंधों पर रूस बोला, भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए। बता दें आपको दोस्तों, रूस ने सोमवार को कह दिया है
कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों के बारे में भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए। हालांकि उसने ये भी कहा है कि मास्को इस्लामाबाद के साथ संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि वो शंघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य भी है। बता दें, रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ रूस के संबंध स्वतंत्र प्रकृति के हैं और उनकी सरकार अन्य देशों की संवेदनशीलता के सम्मान को लेकर भी सचेत है। मीडिया ब्रीफिंग में जब बाबुश्किन से पाकिस्तान के साथ रूस के सैन्य अभ्यासों और व्यापार सहयोग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया है कि हमें नहीं लगता कि भारत को चिंतित होने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक संवेदनशीलताओं के सम्मान की बात है तो रूस बहुत सतर्क है, लेकिन साथ ही हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को स्वतंत्र प्रकृति का देखते हैं और हमारा द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक एजेंडा भी है। जी हाँ दोस्तों, हम SCO की रूपरेखा में पाकिस्तान के साझेदार देश होने के नजरिए से इस संबंध को और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी मजबूरी है इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ आना। ऐसे में दोस्तों, रूस जिस प्रकार से भारत को आश्वासन दे रहा है कि भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? कितना भरोसा आपको रूस पर? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो हिंद प्रशांत में शांति स्थिरता के लिए भारत और वियतनाम की जिम्मेदारी अहम। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी बात कह दी है। बता दें, LAC और दक्षिण चीन सागर में चाइना की आक्रामकता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को वियतनाम के PM नगुएन शुआन फुक के साथ वर्चुअल बैठक में भाग लिया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समकक्ष से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और नए क्षेत्र में फैल रहे हैं। यही नहीं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और अस्थिरता बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण है। वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम को भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम स्तंभ भी है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। एक और खबर की अगर बात करें तो चाइना और यूरोपीय यूनियन के बीच निवेश को लेकर बनी सहमति, EU ने छोड़ी अपनी शर्तें। जी हां दोस्तों, ऐसी खबर है कि तमाम आपत्ति और हिचक को दरकिनार कर यूरोपियन यूनियन ने चाइना के साथ अपने निवेश को समझौते को आखिरी रूप दे दिया है। जिन आपत्तियों को दरकिनार किया गया है दोस्तों, उनमें चाइना में श्रम अधिकारों के पालन की शर्त भी शामिल है। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमले का आदेश देने वाले जनरल को जिनपिंग ने हटा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि नए जो जनरल रखे गए उनकी क्या खूबियां हैं। दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूर्वी लद्दाख में जारी टकराव के बीच ही सैन्य नेतृत्व में बड़े परिवर्तन करवाए हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मुखिया है, उन्होंने वेस्टर्न थिएटर कमांड के चीफ जनरल झाओ जोंगी को उनके पद से हटा दिया है। दोस्तों जनरल जोंग की जगह अब वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी जनरल झांग जुडोंग पर आ गया है। जनरल झोंग की के हटने के बाद भारत के एक धड़े को उम्मीद है कि अब शायद 8 महीने से जारी टकराव में एक सकारात्मक मोड़ आ सकती है। जनरल जोंग की वही कमांडर थे जिन्होंने 2017 में डोकलाम विवाद की रूपरेखा तैयार की और इस बार लद्दाख में टकराव के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को उकसाया था। ऐसे में दोस्तों जनरल जोंग की के विदाई को लेकर आप कितने खुश हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो अमेरिका में कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान, 74 लाख करोड़ रुपए पर बन गई है सहमति। बता दे, कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए बड़े राहत पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों अमेरिका में बुरी तरह प्रभावित हुए कारोबारियों एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए $1,000 अरब यानी लगभग 74 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। बता दें, इस पैकेज के तहत बेरोजगारों के लिए हर हफ्ते $300 और जरूरतमंद लोगों को $6,000
डॉलर यानी 44,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। एक और खबर की बात करें तो इसराइल और पाकिस्तान नेताओं की गुप्त बैठक हुई दोस्तों, जिसमें दुश्मन से रिश्ते सुधारना चाहता है इमरान खान। बता दें, आतंकवाद को लेकर दुनिया भर के निशाने पर आया पाकिस्तान अपने कट्टर दुश्मन इसराइल के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने गुपचुप तरीके से इसराइल के नेताओं के साथ मुलाकात की है। ये खुलासा ब्रिटिश थिंक टैंक इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ काउंटर टेररिज्म के संस्थापक नूर देहरी ने कर दिया है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान उन मुस्लिम देशों के निशाने पर आ सकता है जो इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस गुप्त बैठक को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो टीकाकरण कार्यक्रम में जो बाइडन लगवाएंगे COVID-19 का टीका, ट्रंप वैक्सीनेशन से बनाए हुए हैं दूरी। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि टीकाकरण कार्यक्रम में ट्रंप सहित कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों को भी COVID-19 के टीके की खुराक लेनी चाहिए। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को सोमवार को टीका लगाया जाएगा। ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के प्रमुख सलाहकार मोन सेफ सलाईवी ने CNN के स्टेट ऑफ द यूनियन कार्यक्रम में रविवार को कहा कि टीका उन लोगों के लिए सुरक्षित है जो संक्रमित हो चुके हैं, ये उनकी प्रतिरक्षा को और मजबूत बनाएगा। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो COVID-19 का नया स्ट्रेन मिलने से मच गया हड़कंप। कई देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर लगा दी है रोक। बता दें, इंग्लैंड में कोरोना वायरस का एक नया प्रकार स्ट्रेन पाया गया है दोस्तों। ऐसे में रविवार को यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने ब्रिटिश से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ये कदम इसलिए उठाया गया है दोस्तों जिससे इस नए स्ट्रेन का खतरा उनके देशों में ना पहुंच पाए। कई और देश ऐसे प्रतिबंधों को लेकर विचार कर रही है। बता दें, फ्रांस ने रविवार आधी रात से अगले 48 घंटों के लिए ब्रिटेन से सभी तरह की यात्रा पर रोक लगा दी है दोस्तों। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की घोषणा भी कर दी गई है, जिसमें कह दिया गया है कि ब्रिटेन जाने वाले लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। यानी लोग फ्रांस से ब्रिटेन तो जा सकते हैं, लेकिन अगले 48 घंटों तक लोग ब्रिटेन से फ्रांस का सफर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों, क्या भारत को भी ब्रिटेन के साथ कुछ समय के लिए फ्लाइट को रद्द कर देना चाहिए दोस्तों? आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान की ड्रोन साजिश एक बार फिर हुई नाकाम। फायरिंग करके सुरक्षा बलों ने खदेड़ा बाहर। पंजाब के गुरदासपुर में 11 ग्रेनेड मिलने से मच गई सनसनी। बता दें, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की फिराक में लगे पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीमा पर गुस्ताखी कर दी है। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से भारत में आतंक फैलने की पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई है दोस्तों। सुरक्षा बलों को गुरदासपुर में भारी संख्या में ग्रेनेड मिले हैं। पंजाब के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि सुरक्षा बलों ने गुरदासपुर जिले में 11 हैंड ग्रेनेड जब्त किए हैं। संदेह यह है कि ये सभी ड्रोन पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए गिराए गए हैं। संदेह ये भी है दोस्तों कि ये सभी ग्रेनेड पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक आयुध कारखाने द्वारा बनाए गए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी। और यहां पर भी अपने भारतीय सेनाओं को दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा, उनको धन्यवाद जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की बात करें तो नेपाल से खबर, जहां 69 यात्रियों को लेकर उड़ा विमान डेस्टिनेशन से 255 किलोमीटर दूर उतर गया। एयरलाइन ने गलती के लिए माफी भी मांगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, नेपाल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जनकपुर जाने वाली फ्लाइट अपने गंतव्य पर पहुंची ही नहीं। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों के परिजन परेशान हो गए, उन्हें अनहोनी की आशंका सताने लगी। हालांकि कुछ ही देर में जब स्थिति स्पष्ट हुई तो उन्होंने राहत की सांस जरूर ली दोस्तों, लेकिन उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। दरअसल बुध एयर की जनकपुर जाने वाली फ्लाइट गलती से पोखरा पहुंच गई, जो निर्धारित गंतव्य से 255 किलोमीटर दूर था। इस फ्लाइट में कुल 69 यात्री सवार थे। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात कर दें तो बेंगलुरु हिंसा मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, जहां PFI SDPI के 17 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो बांग्लादेश ने अपने नागरिकों से भारत की सीमा पार ना करने की अपील की। आपको बता दें, इसका बड़ा कारण क्या है दोस्तों, जहां बांग्लादेश ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे भारत की सीमा में अवैध रूप से घुसने की कोशिश ना करें। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले
बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB ने अपने लोगों से कहा है कि वे यदि अवैध तरीके से सीमा पार करने से बचेंगे तो इससे बॉर्डर पर होने वाली मौतों में कमी आ जाएगी। बता दें BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम ने कहा है कि सरहद पर होने वाली मौतें चिंता का विषय है। इन्हें कम करने के लिए बांग्लादेश को 3 लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहले बांग्लादेश के सीमांत इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा, दूसरा लोगों को अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसने से रोकना, और तीसरा भारत से राजनयिक बातचीत कर बॉर्डर किलिंग की घटनाओं को कम करना होगा।